हेलो एवरीवन, आज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है ओप्पो F15 से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि हमको कुछ बताइए कि जो हमारा ओप्पो F15 है, अपडेट के बाद में जो उसका बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो ओप्पो जो इंडिया, मैंने उनको मैसेज किया ट्विटर हैंडल पे, उनसे बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया जो जो इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने कि आपकी जो बैटरी है ज़्यादा देर से ड्रेन नहीं होगी, उतरेगी नहीं। तो उसके बारे में आज कुछ बात करने वाले वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा देखने के लिए दोस्तों मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं, जो हमारा ओप्पो F15 है वो हमारे पास है ये फ़ोन। तो हमने ट्विटर हैंडल पे बातचीत की है जो ओप्पो इंडिया से, वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों आगे चल के जो हमारा वीडियो होगा उसमें। तो मैंने उनसे पूछा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमारा जो ओप्पो F15 है उसका जो कलर O7 का अपडेट है, उसके बाद में जो बैटरी का ड्रेन है, बैटरी जो उतर रही है बहुत तेज़ी से उतर रही है, कभी कभी जल्दी स्विच ऑफ हो जाता है। और बहुत सारे लोगों के ये भी प्रॉब्लम्स थे कि जो बैटरी है पहले घंटे 30 मिनट के राउंड में फुल चार्ज हो जाती थी, लेकिन अभी जो कलर O7 का जो ट्रायल वर्जन का अपडेट आया था, कुछ लोगों ने डाउनलोड किया, उसके बाद वो बता रहे थे कि जो बैटरी है वो अराउंड 2 घंटे के अराउंड में चार्ज हो रही है, घंटे 30 मिनट के नहीं, 2 घंटे 10 या 20 मिनट ले रही है चार्ज होने में। तो कुछ इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं और कैसे आप जो परफॉर्मेंस है वो बेटर ले सकते हैं और बैटरी बैकअप जो आप अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने ओप्पो इंडिया को मेल किया, ट्विटर हैंडल पे उनको मैसेज किया, ट्वीट किया, तो उन्होंने बताया कि कुड यू लेट अस नो इफ़ यू आर यूजिंग ओरिजिनल ओप्पो चार्जर टू लार्ज चार्ज योर डिवाइस। तो दोस्तों उन्होंने पूछा मुझसे, मैंने उनसे कहा कि हमारा जो कलर O7 का अपडेट है कुछ ये है, ट्वीट आप देख सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जो हमारा कलर O7 का अपडेट है उसके बाद में जो हमारी बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा उतर जा रही है, जल्दी से यानी डिस्चार्ज हो जा रहा है हमारा फ़ोन। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप ओरिजिनल चार्जर यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा यस, आई एम यूजिंग ओरिजिनल ओप्पो चार्जर। तो ये है हमारे पास ओप्पो का चार्जर, जो कि आप सभी लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स आप देख सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स मिला होगा। यही 20 वाट का चार्जर है जो कि वो 3.0 के साथ में आता है। तो इसको एक बारी के लिए रख देते हैं दोस्तों साइड में। तो उन्होंने कहा कुड यू प्लीज़ लेट अस नो व्हेन आर यू फेसिंग बैटरी चार्जिंग इशू। तो जो आपकी बैटरी है, बैटरी ड्रेनिंग का इशू जो है आपको, अगर आपका कोई दिक्कत आ रही है कि आप ऐप कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वॉइस कॉल्स के ड्यूरिंग या फिर चार्जिंग या फिर स्टैंड बाई के दौरान जो आपकी बैटरी का ड्रेन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में मुझे अभी जाके कि जो आपकी बैटरी है वो सबसे ज़्यादा कब उतरती है। वीडियोज़ देखते हैं आप, ऐप्स यूज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं या फिर आप स्टैंड बाई पर रहते हैं वॉइस कॉल्स पे, आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। तो मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने कहा कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, तो उन्होंने कुछ बताया जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो आपके बैकग्राउंड्स ऐप्स हैं आप उनको पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, और जो आपका ब्राइटनेस है उसको ऑटो पे कर दीजिए। जो आपका ब्राइटनेस रहता है ये वाला यहाँ पे कुछ सेटिंग्स में, तो इसको जाके जो आपका ब्राइटनेस है वो आप ऑटो में कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं देखने के लिए मिलेगी। और जो अगला उन्होंने बताया कि टर्न ऑफ डिवाइसेज GPS ब्लूटूथ वाईफाई व्हेन नॉट इन यूज़। तो आपका जब आपके यूज़ हो GPS का, ब्लूटूथ का, वाईफाई का, तभी आप उसको यूज़ करिए। जब आपका नॉट इन यूज़ हो, ये सब GPS हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, तो आप अपना जो GPS है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है उसको बंद कर दीजिए और सारे ऐप्स अपने बंद करके रखिए। देख लीजिए कि बैकग्राउंड में कोई ऐप ना चल रहा हो और अपने ब्राइटनेस को ऑटो पे कर दीजिए, तो आपका जो फ़ोन है वो बैटरी बैकअप अच्छा देने लगेगा। ओप्पो इंडिया की तरफ से ये मिला है और उन्होंने कहा कि जो स्टेबल वर्जन होगा, ट्रायल वर्जन में हो सकता है कुछ लैगिंग के इशू आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो गेमिंग में हमारा लैग हो रहा है, तो नेटवर्क का भी दिक्कत हो सकती है, तब लैग आ सकता है, नहीं तो जो ट्रायल वर्जन है वो बस ट्रायल वर्जन है, स्टेबल वर्जन नहीं है। तो 24 जुलाई से स्टेबल वर्जन रोल आउट होगा, सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हो सकता है कि जो स्टेबल वर्जन हो, उन्होंने कहा है कि स्टेबल वर्जन में जो भी इशू है उनको फिक्स कर दिया जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आपका ओप्पो F15 काफ़ी टाइम यानी बहुत टाइम ले रहा है चार्ज होने में, तो ओरिजिनल चार्जर चार्ज करिए और एक बार अपनी बैटरी को पूरा का पूरा शट डाउन कर दीजिए, फ़ोन को बैटरी डिस्चार्ज है उसके बाद 0 से लेकर 100 तक चार्ज करिए, फिर देखिए कितना टाइम लगता है। और जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताया आप उनको फॉलो करिए, तो आई थिंक कि जो आपकी बैटरी का ड्रेन है वो कम हो जाएगा, आपका फ़ोन का बैटरी जो बैकअप है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया और साफ साफ क्लियर कर दिया दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जाइए और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए हमारे लिए। और चैनल पर नए हैं यार तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहती हैं। मिलूंगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर किसी और दिन। तब तक के लिए दोस्तों, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। जय हिंद, वंदे मातरम।